हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से घर पर ही बिल्कुल बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनाएंगे, वो भी बिना मावा, बिना दूध और बिना किसी झंझट के, जिसे आप जब खाने का भी मन हो तो फटाफट से बना सकते हैं। और ये देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा कहीं टेस्टी होता है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक इस तरीके का प्लेट या थाली भी जिसे कहते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एक कप या एक कटोरी मिल्क पाउडर। और यहाँ मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैं 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे घर का बना शुद्ध और देसी घी। यहाँ मैंने घी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी में आप मेल्टेड बटर का यूज़ करें, जिससे आपका रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सिर्फ इसमें ऑयल या रिफाइंड का यूज़ ना करें। और अब हम साफ़ हाथ से मिल्क पाउडर और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये एक सूखे मावा की तरह मिक्स हो जाएगा और हमारा बहुत ही अच्छा मावा बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने स्किम्ड मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। आप मिठाई बनाने के लिए होल मिल्क पाउडर या स्किम्ड मिल्क पाउडर का ही यूज़ करें, उससे आपका मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने घी और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे इस तरीके से ही थाली में एक जगह जमा करके या इकट्ठा करके रखेंगे। और अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें 1/3 या 1/3 कप चीनी लेंगे। यहाँ मैंने चीनी का यूज़ किया, आप इसकी जगह मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 1/2 कटोरी पानी डालेंगे और हाई फ्लेम पे हम चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लेंगे, जिससे चीनी हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, चीनी हमारा पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और मेल्ट भी हो गया है। हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। और आप देख सकते हैं, चीनी हमारा बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और इसमें झाग भी बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारा चाशनी बनने के लिए चीनी बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघल गया है। हम इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे चीनी हमारा तले में जलेगा नहीं और बहुत अच्छी तरीके से हमारा चाशनी बनके जल्दी से तैयार हो जाएगा। और अब हम इसे चेक कर लेंगे। इस पैचुला पे चाशनी लेकर हम इसे हाथ से इस तरीके से चाशनी को चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं, चाशनी हमारा एक तार का बन के तैयार हो गया है और चाशनी हमारा इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बना है। और ये मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल सही तरीके से पक गया है, हमें इसे इतना ही पकाना है। और अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डाल करके गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से चलाते हुए चाशनी में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके इस तरीके से स्पैचुला से चेक कर लेंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ ना बने। और ये देखिए, मिल्क पाउडर हमारा बहुत अच्छे तरीके से चाशनी में मिक्स हो गया है और इसमें एक भी लम्स नहीं है और मावा भी हमारा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। इस तरीके की मिठाई आप घर पे इजीली इंस्टेंट बना के तैयार कर सकते हैं, जब भी आपके घर पे मेहमान आने वाले हो या आपको जब भी मीठा खाने का मन हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। घर में बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं, मिल्क पाउडर से हमारा बिल्कुल इंस्टेंट बर्फ़ी के लिए मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। और अब हम इस तरीके से चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे ये मावा अच्छी तरीके से भुन जाएगा। और अब हम मावा को एक इस तरीके से प्लेट में डालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, मावा हमारा ठंडा हो गया है, हम इसे हाथ से चेक कर लेंगे। बर्फ़ी बनाने के लिए मावा हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक गया है और आप देख सकते हैं, ये रोल भी हो रहा है। हमें बर्फ़ी बनाने के लिए इसे इतना ही पकाना है। और अब हम इसे मावा में डालेंगे और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब हम
इस मावा के मिक्सचर को ठंडा होने देंगे या यह इस तरीके से स्पैचुला से चलाते हुए पैन में ही हम इसे ठंडा करेंगे, जिससे इसका बर्फी बहुत ही ईजली और झटपट बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से पैन में आप फैला करके इसे मिलाते रहेंगे तो ये जल्दी ठंडा होगा। इस मावा बर्फी को बनाने या जमाने के लिए रेफ्रिजरेटर का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये देखिए, जैसे जैसे हमारा मावा ठंडा हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से गाढ़ा भी हो रहा है। हमें इसे इसी तरीके से चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए और ठंडा कर लेंगे, जिससे हमारा बर्फी बहुत ही अच्छा और मुंह में घुलने वाला बनेगा। और आप देख सकते हैं बैटर हमारा ठंडा हो गया है। और अब हम एक थाली लेंगे और इसमें 1/4 चम्मच घी डालेंगे। घी डाल करके हम इसे अच्छे से प्लेट में फैला लेंगे, जिससे बर्फी जमाने के लिए हमारा थाली बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस हो जाएगा। और जब ये बर्फी सेट होगा, ये इजीली थाली से बाहर निकल आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने थाली को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। यहाँ मैंने किनारे की जगह इसे सेंटर में ही ग्रीस किया है। और अब हम इसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता डालेंगे। यहाँ मैंने पिस्ता का यूज़ किया, आप इस पे बारीक कटे हुए आलमंड या काजू, अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। और अब हम बर्फ़ी बनाने के लिए तैयार किए हुए मावा का मिक्सचर डालेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने अच्छी तरीके से मावा का मिक्स को अच्छे से थाली में डाल दिया है। और अब हम स्पैचुला से इस तरीके से इसे फैला लेंगे, जिससे ये थाली में अच्छी तरीके से फैल जाएगा और ठंडा होगा। और हमारा बर्फी बनाने के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से सेट होगा। और इस तरीके से आप इसे चम्मच से भी इस तरीके से फैला लेंगे। और आप देख सकते हैं मिठाई या बर्फी बनाने के लिए मावा हमारा ठंडा हो गया है और इसे मैंने चकले के ऊपर निकाल लिया है। और अब हम इस तरीके से एक चाकू लेंगे और मावा को इस तरीके से हम इक्वल साइज में लंबे लंबे कट कर लेंगे, जिससे हम इसे परफेक्ट बर्फी या मिठाई का शेप दे सकें। देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे बर्फी के शेप में कट कर लिया है। आप भी इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने बर्फी के ऊपर चांदी का वर्क लगाया है। अगर आपके पास हो तो आप इसे लगाएं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने 3 शेप में बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा मावा बर्फी बन के तैयार हो गया है। आप इसे जब भी मन हो तो इस तरीके से बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी 15 से 20 दिन ख़राब नहीं होगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी या हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।